एवरीवन, नमस्ते, केम छो, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा में होगे। सो आप सबको पता है कि समर सीजन चल रही है, हम सबको ऑयली स्किन, दाने, छोटे छोटे बम्स हो जाते हैं, पिंपल इस तरीके से निकल आता है, या तो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स की जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा होती रहती है। मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल टिप बताती हूँ जो आज आप ना आज से ही फॉलो करना, कि आप ना रात को अगर सोने के टाइम थोड़ी सी भी आप आलस करते हो ना कि नहीं यार मुझे फेस वॉश बिल्कुल नहीं करना है, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सोचिए, मान लो कि आप घर से काम करते हो या तो आप बाहर जाके काम करते हो, दोनों जगह हमारी स्किन में ना पूरे दिन में इतना ज़्यादा हमारी स्किन ने कुछ झेला होता है, धूल, मिट्टी, गंदगी, इम्प्योरिटीज, ऑयल, ये हमारे स्किन के अंदर ये छोटे छोटे जो पोर्स है ना उसके अंदर चला गया होता है, तो हमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और ऐसी न जाने काफ़ी सारे स्किन कंसर्न, ये तो स्किन प्रॉब्लम हमें हो जाती है। तो ऐसे में रात को ऑलवेज आप ना क्लिनजिंग, यानी जो सबसे पहला स्किन केयर रूटीन का स्टेप है ना, आप फेस वॉश करके सोइए। स्किन केयर के तीन स्टेप है, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। आप अगर ज़्यादा करोगे तो वो बेटर है, बट ये तीन स्टेप तो आपको डेली करनी है। अगर आप फेस वॉश डेली नहीं करोगे तो आपके पोर्स में कचरा जम जाएगा, धीरे धीरे करके आपके जो पोर्स है वो क्लॉग्ड हो जाएंगे और आपको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की इतनी ज्यादा स्टबन प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि आपकी स्किन काफी डल दिखने लगेगी, लाइफलेस दिखने लगेगी। तो चलिए सबसे पहले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जरूर देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। बट उससे पहले मेक श्योर कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और मेरे चैनल में गिव अवे चल रहा है जिसमें यहाँ पर मैं तीन विनर को सिलेक्ट करूंगी, एक एक विनर को यहाँ पर मैं 500 के गिफ्ट या तो आपको वाउचर सेंड करूंगी। इसके लिए आपको सिंपल दो रूल्स को फॉलो करना है, एक तो आपको वीडियो को लाइक करना है, सेकेंड आपको वीडियो में कमेंट करनी है। तो ये सिंपल है, तो ये दो रूल्स को जल्दी से फॉलो कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एक मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप में से सारे लोग इसका आंसर ज़रूर देना कि किस किस को अपनी खुद की स्किन टाइप पता है। मोस्ट ऑफ लोगों को स्किन टाइप पता नहीं होगी, हाँ थोड़े लोगों को पता होगी। तो गलती क्या यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि जब भी अगर आपको आपकी स्किन टाइप पता नहीं है और आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना तो उसका आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे कैसे पहचानोगे? तो आप जब रात में अच्छे से आपका चेहरा धोकर सोते हो, मॉर्निंग में जब उठते हो ना, तो आपको क्या करना है कि आपको फील करना है कि आपको क्या फील हो रहा है। अगर आपकी स्किन आपको काफ़ी ड्राई, काफ़ी फ्लेकी और काफ़ी मुरझाई हुई आपको लग रही है ना, तो इसका मतलब आपकी ड्राई स्किन है। उसको मेंटेन करने के लिए कौन सा फेस वॉश यूज़ करोगे? तो यहाँ पर गुड वाइब्स का मॉइस्चराइजिंग हनी फोमिंग फेस वॉश विद डीप क्लींजिंग ब्रश वाला ये जो फेस वॉश है ना गाइस, वो ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हनी है जो कि हमारी स्किन को अच्छे से डीपली नरिश करता है, हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन एनहांस करता है, स्किन में नमी को ऐड करता है। इसके अंदर बिल्ट इन सिलिकन ब्रश आपको मिलता है, इसके जो ब्रिसल्स है ना वो काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी जेंटल है, जस्ट आपको प्रेस करना है तो आपका फोमिंग फेस वॉश निकल जाएगा। हल्के हल्के हाथों से आप डेली रात को सोने से पहले इससे एक मिनट के लिए आपका चेहरा धो लीजिए। इसमें हनी है तो पोर्स के अंदर जाके आपके स्किन में ये मॉइस्चर को भी लॉक करेगा, आपकी स्किन को ड्राई फील होने ही नहीं देगा और साथ में धीरे धीरे करके आपकी जो स्किन है वो हेल्दी होती जाएगी, आपकी स्किन में ग्लो एड करेगा, स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है ना वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर शाइनी हो जाएगा। अब बारी आती है कि कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन है आपकी, तो आप उसे कैसे पहचानोगे? सबसे पहले आप जब रात में सोने अच्छे से फेस वॉश करके सोते हो, जब आप मॉर्निंग में उठते हो, अगर आपका पूरा का पूरा जो चेहरा है ना आपको काफ़ी ज़्यादा ऑयली फील हो रहा है, काफ़ी ग्रीसी फील हो रहा है ना पूरा का पूरा चेहरा, तो आपकी ऑयली स्किन है। अगर आप मॉर्निंग में उठते हो सिर्फ आपका ये फोरहेड, ये जो नोज़ वाला एरिया है ना वो ही सिर्फ आपको ग्रीसी फील होता है, ऑयली फील होता है, इसका मतलब आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। बाकी का एरिया जो है ना वो एकदम नॉर्मल होगा, ये सिर्फ टी जोन एरिया ही ऑयली होगा। मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, तो इसके लिए मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ? इसके लिए आपको काम आएगा गुड वाइब्स का टी ट्री जेंटल क्लींजिंग फोमिंग फेस वॉश विथ डीप क्लींजिंग ब्रश के साथ। इसके अंदर भी आपको फोमिंग फेस वॉश मिलता है, साथ में ये बिल्ट इन सिलिकन ब्रश के साथ आता है जो कि काफ़ी जेंटल है आपके पोर्स को क्लीन करने के लिए। इसके अंदर टी ट्री है जो कि आपके एक्ने और आपके खास करके पिंपल के बैक्टीरिया को ये कील कर देता है, ताकि आगे जाके आपको पिंपल और दाने जैसे आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। टी ट्री है ना वो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हमारी स्किन में जो भी छोटे छोटे बैक्टीरिया है ना वो भी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं, इससे हमारे पोर्स क्लीन हो जाते हैं, पोर्स हमारे अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं, डर्ट, इम्प्योरिटीज़, धूल, मिट्टी सारी निकल जाती है।
तो गुड वाइब्स के यहाँ पर मैंने आपको जो सारे फोमिंग फेस वॉश बताए विथ डीप क्लींजिंग सिलिकन ब्रश के साथ, तो सिलिकन ब्रश काफ़ी जेंटल है तो कोई आपको इरिटेशन होगी नहीं और डीप क्लींजिंग भी हो जाएगी। एंड ये सारे के सारे जो फेस वॉश है वो पैराबिन सल्फेट मिनरल ऑयल से फ्री है, 100% वीगन है और कोई भी एनिमल के ऊपर टेस्ट भी नहीं किए गए हैं। अब बारी आती है कि अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या तो आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको कौन सा फेस वॉश बेस्ट सूट करेगा। तो पर्सनली वैसे तो अभी मैं आपको यहाँ पर जो फेस वॉश बता रही हूँ ना, गुड वाइब्स का रोज हिप स्किन क्लींजिंग फोमिंग फेस वॉश विथ डीप क्लींजिंग ब्रश वाला, ये सारी स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है क्योंकि इसके अंदर रोज हिप है। तो साथ में सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको बिल्ट इन ब्रश मिलता है सिलिकन वाला, जो कि डीप क्लींजिंग के लिए बहुत ही आपको काम आएगा और इससे आपके पोर्स अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। तो आपको 1 मिनट के लिए डेली रात को सोने से पहले स्किन को अच्छी तरीके से साफ करना है क्योंकि रोज हिप के अंदर सबसे पहले स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करने की प्रॉपर्टीज होती है। ये रोज हिप हमारी स्किन की हेल्थ को बेटर करता जाता है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है, रोज हिप हमारी स्किन में मॉइस्चर लॉक करता है, रोज हिप से हमारी स्किन का ग्लो इंक्रीज होता है, हेल्थ हमारी जो है ना वो बेटर होती है, रिंकल्स एंड फाइन लाइंस की आपको जो एजिंग रिलेटेड आपको इश्यू आपको हो रहे हैं ना, तो उस टाइम पर आपको रोज हिप काफी हेल्प करेगा। साथ में ये डीप क्लींजिंग ब्रश के साथ आता है तो आपके पोर्स ना वो भी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। रोज हिप हमारी स्किन को रिपेयर भी करता है और रिजुवेनेट भी करता है। जब तेज धूप में बाहर जाते हैं तो सनटेन भी होता है और खास करके तेज धूप के कारण हमारी स्किन में जो मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है वो भी बढ़ जाता है, जिससे हमें पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है या तो डार्क स्पॉट हो जाते हैं। तो ऐसे में काम आता है विटामिन सी। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि विटामिन सी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, तो ये है गुड वाइब्स का विटामिन सी ग्लो फोमिंग फेस वॉश। इसका नाम ही आप देख लीजिए, ग्लो फोमिंग फेस वॉश है जो आपकी स्किन में ग्लो ऐड करेगा, आपकी स्किन को शाइनी और हेल्दी बनाएगा। ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। सबसे पहले जस्ट आप पंप को आपको प्रेस करना है और हल्के हल्के हाथों से आपकी स्किन को आपको क्लीन करना है। विटामिन सी है, विटामिन सी हमारी झुर्रियां की प्रॉब्लम और झाइयां की प्रॉब्लम ठीक करता है, हमारा जो दबा हुआ ग्लो है उसको वापस लाने के लिए काम आता है, स्किन सेल्स को ये प्रोटेक्ट करता है और ऑलरेडी जो फ्री रेडिकल्स के कारण हमारी स्किन डैमेज हो गई होती है ना उसको रिपेयर करने के लिए विटामिन सी काम आता है। ये हमारी स्किन टोन को इवन करता है, हमारी स्किन में मॉइस्चर को ऐड करता है और ये जो गुड वाइब्स का विटामिन सी ग्लो फॉर्मिंग फेस वॉश है वो सारी स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है आपकी स्किन को ब्राइट करने के लिए। समर में हमें ज़्यादातर यू नो ब्राइटनिंग फेस वॉश यूज करने चाहिए क्योंकि इससे हमारा जो ग्लो है या तो हमारी जो स्किन है वो हेल्दी दिखती है। तो गुड वाइब्स का लेमन ब्राइटनिंग फेस वॉश फॉर्मिंग फेस वॉश विद डीप क्लींजिंग ब्रश वाला ये जो फेस वॉश है ना गाइस, वो समर के लिए परफेक्ट है। सबसे पहले इसके अंदर लेमन है, तो आपको पता है कि लेमन के अंदर नेचुरल क्लींजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, लेमन के अंदर नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये आपकी स्किन को नेचुरली ही लाइटन करता है जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट्स होता नहीं है, आपकी जो स्किन है ना आपको फ्रेश और खासकर क्लीन फील होती है। ये आपकी स्किन को नरिश भी करेगा और ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड आई लव यू सो मच।